हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआर किचन। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले का अचार। इस अचार को हम साल भर रख के खा सकते हैं और आंवला तो होता भी बहुत हेल्दी है, इसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है। तो ये मैंने लिया है आंवला 1 किलो करीब, 1 kg आंवला है और इसको हमने वॉश कर लिया है। तो इसको हम अभी बॉईल करेंगे 1 सीटी तक। 1 सीटी कुकर में लगा के इसे हम बॉईल करते हैं। उसके बाद इसको हम कम से कम 5 से 6 घंटे धूप में रखेंगे, तभी हमारा अचार पूरा साल भर चलेगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसको हम बॉईल करके। आंवले हमारे देखिए बॉईल हो गए हैं और इन्हें हमने पानी इनका छान लिया है। अब इनको देखिए कितनी आसानी से इसका बीज अलग हो जा रहा है। तो इनके बीज अलग करके हम ऐसे रख ले रहे हैं, तब इसे धूप में सुखाएंगे। ये ऐसे हमने सारे बीज अलग कर लेने हैं। ये देखिए सारे आंवले ऐसे फांक पूरी अलग हो गई है पीसेस में। तो अब इन्हें हम धूप में रख देते हैं 5 से 6 घंटे, जिससे एकदम अच्छे से ये सूख जाए, इनका सारा पानी सूख जाए, जिससे ये हम अच्छे से लंबे टाइम के लिए अचार को बना के रख पाए। ये अचार हमारा साल भर चलेगा। ये आंवले हमारे अब ये सूख गए हैं। ये देखिए बिल्कुल इनका पानी खत्म हो गया है। ये 5 से 6 घंटे हमने इन्हें धूप में डाल के रखा था और अब ये बिल्कुल रेडी है अचार बनाने के लिए। तो अचार के मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या मसाले चाहिए हमें। ये देखिए हल्दी पाउडर, ये है मिर्च, कुटी हुई मिर्च पाउडर, ये है नमक, ये हमने लिया है मस्टर्ड पाउडर, सरसों को पीस लिया है दड़दड़ा मिक्सी में और ये अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। इसके अलावा मैंने लिया है ये मस्टर्ड ऑयल। तो चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं और अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डाला हल्दी, ये हमने हल्दी पाउडर डाल दिया 1 चम्मच करीब। मिर्च भी हम डाल रहे हैं, मिर्च मैं थोड़ी ज्यादा डाल रही हूँ अचार में, अच्छा टेस्ट आता है, नमक मिर्च तो थोड़ा ज्यादा पड़ता है। इसके अलावा अब मैंने इसमें डाला मस्टर्ड पाउडर, ये सरसों पीसी हुई। इसके अलावा अब मैं नमक डाल रही हूँ। जैसे मैंने बताया अचार में थोड़ा नमक ज्यादा पड़ता है और आंवले के अचार में और भी ज्यादा पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा खट्टा होता है और उसका टेस्ट अच्छा आता है। अचार बनने के बाद थोड़ा सा नमक कम हो ही जाता है। तो ये सब डालने के बाद इसको अब मुझे मिक्स करना है। तो पहले इन मसालों को मैं सूखा ही हल्का सा मिक्स कर लूंगी, उसके बाद इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करूंगी। ये देखिए और अब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं, इससे ये बहुत अच्छे से मसाले भी मिक्स हो जाएंगे और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको जरूरत हो तो आप ऑयल और कर सकते हैं, तेल ज्यादा भी डाल सकते हैं, बट मुझे सूखा सूखा पसंद है तो मैं इनफ ही डालूंगी, जितने में अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं बस। ये देखिए अब अच्छे से सारे मसाले और तेल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये अचार हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखिए और ये आंवले का अचार हमारा रेडी हो गया है। इसे हम रख सकते हैं पूरे साल के लिए, ये हम किसी कंटेनर में या टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ये पूरे साल अचार चलते हैं और ये बहुत हेल्दी होते हैं क्योंकि आंवले में आयरन तो बहुत ज्यादा होता है। इसे आप किसी भी रूप में खाइए।